हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रूवर्ब पे चर्चा करेंगे। जब हम ट्रांसलेट करते हैं किसी पैराग्राफ को तो बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने आती हैं, क्योंकि बीच बीच में कुछ प्रूवर्ब दे देता है जो हम ग्रामर के नियम से नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो प्रूवर्ब समय काल परिस्थिति के अनुसार पहले से वो सेलेक्ट किए गए हैं, इसीलिए वहाँ हमको परेशानी आती है। तो आप ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से बना लो, इसलिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रूवर्ब पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रूवर्ब आपको जैसे मालूम रहता है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सुना है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस सुना है, ऐसे अच्छे अच्छे प्रूवर्ब को हम लोग चर्चा करेंगे और आप उसको लर्न करें, बार बार सुने, ताकि आपको सारे प्रूवर्ब कंठस्थ हो जाएं और परीक्षाओं में हमेशा कुछ ना कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन के रूप में आता है। जैसे मान लो आपको याद है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, तो ऐसे दे देगा लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ डॉट, अब ऑप्शन दे देगा रोजेज, थॉर्न, फ्रूट्स, विट, ऐसे दे देगा, सेलेक्ट करो कौन सा है। तो अगर आप प्रूवर्ब को बढ़िया से लर्न किए रहोगे तो आपको अच्छी तरीके से ऑप्शन चुनने में मदद मिलेगी। तो आओ चलो एक एक प्रूवर्ब हम लोग देखते हैं। पहला प्रूवर्ब है अंत भला तो सब भला, ये मान लो प्रूवर्ब है, हिंदी में आ गया। मान लो बीच में कोई पैराग्राफ आपने ट्रांसलेशन के लिए दे दिया और लास्ट में लिख दिया अंत भला तो सब भला। अब इसका ट्रांसलेट कैसे करें, अंत के लिए एंड, भला के लिए गुड, सेट करो, सेट नहीं होता है। एक मूवी आई थी आप लोगों ने देखा होगा, थ्री इडियट, जिसमें आमिर खान बार बार कोई प्रॉब्लम आती है तो गा करके बोलते हैं ऑल इज वेल, सुने भी होगे आप लोग। तो बिल्कुल उसी से बनाओ, अंत भला तो सब भला, मतलब ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, All is well that ends well, यानी अंत भला तो सब भला, याद रहेगा ना इसे। दूसरा देखो क्या कह रहा है, अकल बढ़िया भैंस, बार बार आप लोग सुनते होंगे अकल बढ़िया भैंस, अकल बढ़िया भैंस। तो अब वहां पर आप लोगों को अकल की अंग्रेजी भी नहीं लगानी है, बुफेलो भैंस के लिए भी नहीं लगाना है। बनाओगे कैसे, जब आप 8-10 देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बनता है। तो अकल बढ़िया भैंस बनाओगे, नॉलेज इज मोर पावरफुल देन मोर स्ट्रेंथ है, क्या बनेगा, नॉलेज इज मोर पावरफुल देन मोर स्ट्रेंथ है, ठीक है। तीसरा देखें, अवसर मत चूको, मान लो ऐसे दे दिया है, तो बहुत आपने सुना भी होगा एक और भी, कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। तो अवसर मत चूको या जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारो, दोनों लगभग सेम है। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, बताओ ठीक। फिर दे रहा है, इस हाथ दे उस हाथ ले, सुने हो ना, इस हाथ दे उस हाथ ले, ये नकद है, नकद हम नकद पैसा दें, आप नकद जो भी वस्तु हमको क्रय करनी है वो दो। तो कह रहा है इस हाथ दे उस हाथ ले, अब यहां हाथ की अंग्रेजी कुछ नहीं आई कि इस हाथ दिस हैंड, उस हाथ दैट हैंड, दे ले गिव टेक, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। क्या अर्ली सो अर्ली मो, क्या बनेगा, अर्ली सो अर्ली मो, इस हाथ दे उस हाथ ले। फिर ऐसे आप देखो, कह रहा है अकलमंद को इशारा काफी, सुने होगे ना, अकलमंद को इशारा काफी, बनाओ क्या, ए वर्ड टू द वाइस, ए वर्ड टू द वाइस का मतलब होता है अकलमंद को इशारा काफी। हिंदी के बहुत सारे सूक्तियां, बहुत सारे प्रोवर्ब, कहावत आप लोगों ने सुना होगा, उसे अंग्रेजी में भी लर्न करने का प्रयास करो। बात समझ में, अकलमंद को इशारा काफी क्या बनाओगे, ए वर्ड टू द वाइस। नेक्स्ट, गंवार गन्ना ना दे भेली दे, सुनो ना, गन्ना सस्ता होता है भेली की तुलना में,
भेली बन गया तो भेली महंगी हो जाती है। तो जो गंवार है, बेअकल है, वो भेली दे देगा लेकिन गन्ना नहीं देगा। तो गंवार गन्ना दे भेली ना दे, बनेगा क्या? पेनी वाइस पाउंड फुलिश। पेनी वाइस पाउंड फुलिश, यानी गंवार गन्ना ना दे भेली दे। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम। इसको आप लोगों ने खूब सुना होगा, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी चौतरफा फायदा होना। तो क्या बनाओगे इसका? थोड़ा बड़ा भी रहता है, अर्थ जॉय एंड हेवन ब्लेसिंग कंबाइंड है। अर्थ जॉय एंड हेवन्स ब्लेसिंग कंबाइंड है, तो समझ में। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीका पकवान। ये मान लो है, सुने भी होगे कि देखने में बहुत कुछ लग रहा है, ऊपर से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन भीतर जाके देखा बिल्कुल बेकार है। तो क्या बनाओगे ऊंची दुकान फीका पकवान के लिए? मच्छ क्राई लिटिल ऊल। मच्छ क्राई लिटिल ऊल का मतलब होता है ऊंची दुकान फीका पकवान। ना तो यहाँ पकवान की अंग्रेजी लिखनी है, ना दुकान की अंग्रेजी लिखनी है, बस बनाना है मच्छ क्राई लिटिल ऊल। फिर एक पंथ दो काज है, जैसे एक साथ है दो दो चीजों को साधना, यानी एक साथ दो दो कार्य करना, यानी एक पंथ दो काज है। क्या बनेगा? टू किल, टी ओ टू लगाएंगे, टू किल टू बर्ड्स है। अब बर्ड्स के पहले टी डब्ल्यू ओ लगाएंगे, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी एक ही पत्थर से दो दो चिड़िया का शिकार करना। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कहने का मतलब हुआ एक पंथ दो काज। फिर कहता है अगला पूर्वक, देखो एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ये भी सुने होगे ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा हो रहा है तो दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक व्यक्ति अकेले झगड़ा हो रहा नहीं कर सकता है। तो क्या बनाओगे आप इसे? इट टेक्स टू, टी डब्ल्यू ओ टू, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव आएगा टी ओ टू, तो इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल। इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल, बताओ ये समझ में। अगला है एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है। ये तो सुने भी होगे, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं, हमेशा दो व्यापारी अगर साथ में दुकान किए हुए हैं तो परस्पर प्रतिस्पर्धा हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। तो बनाओगे क्या? टू, टी डब्ल्यू ओ वाला लगाइएगा, टू ऑफ ट्रेड सेल्डम एग्री, टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री। ये सब रटना पड़ता है बेटा, तब जाकर के ये दिमाग में बैठता है, और इसे आप बार बार सुनोगे तभी लर्न होगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती है, टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री। जैसे आपने सुना होगा भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते हैं, यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, सुने भी होगे आप लोग। तो क्या बनेगा? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, सुने होगे। ऐसे आपने सुना होगा ऊंट के मुंह में जीरा, सुने हो ना, यानी किसी बहुत बड़े व्यक्ति को एक बिस्किट दे दो, बेकार है। समुद्र में एक ड्रॉप डालो पानी की बूंद, बेकार है, कोई मतलब नहीं। तो ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है ए ड्रॉप इन द ओशियन, बात समझे, ए ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब हो गया ऊंट के मुंह में जीरा, याद रहेगा। नेक्स्ट आप देखें, उतना पैर पसारिए जितनी लंबी सौर, यानी कहते हैं अपनी चादर उतनी फैलाओ जितना आपका पैर हो, यानी जितना औकात जितना सामर्थ्य हो उतना ही काट, माने आप कार्य करो, यानी कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ है। क्या बनेगा? कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ है, बताओ समझ में। नेक्स्ट, उल्टे बांस बरेली को, ये भी सुने होगे आप लोग, सब परिचित वर्ड हैं। उल्टे बांस बरेली को क्या बनाओगे? यानी टू कैरी कूल, ध्यान रखना, टू कैरी कोल टू न्यू काजल, टू कैरी कोल टू न्यू काजल, बताओ याद रहेगा ना। नेक्स्ट आप देखा जाए, उतावला सो बावला, ये भी आपने सुना होगा, उतावला सो बावला,
यानी वही व्यक्ति जल्दबाजी करते हैं जो बावले टाइप के होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं वो धैर्यवान होते हैं। तो क्या बनाओगे? हरी स्पॉइल्स करी। हरी स्पॉइल्स करी का मतलब क्या हो गया? उतावला सो बावला, हरी स्पॉइल्स करी। नेक्स्ट है आपका एक परहेज सौ इलाज, जैसे कह सकते हैं बचाओ सावधानी ही बचाव है, सुने भी होगे। एक परहेज सौ इलाज सुने भी होगे, और इसका प्रूवर भी इंग्लिश वाला इतना फेमस है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वैसे आपको ये रटा भी होगा, प्रिवेंशन इज ए बेटर देन क्योर। क्या होगा? प्रिवेंशन इज ए बेटर देन ए क्योर। नेक्स्ट, कथनी से करनी भली, कथनी करनी में अंतर होना, कथनी से करनी भली। क्या बनाओगे इसका? एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, एग्जाम्पल इज ए बेटर देन प्रिसेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ? कथनी से करनी भली। नेक्स्ट, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये भी बड़ा प्रचलित है, ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे ट्रांसलेट किया जाता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वन फिश इन्फेक्ट्स, इन्फेक्ट्स माने संक्रमित करना, वन फिश इन्फेक्ट्स द होल वाटर, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वन फिश इन्फेक्ट्स द होल वाटर। ऐसे आपने सुना होगा एकता में बल होता है, ये भी सुने होंगे, जैसे आप 10th में ट्रांसलेट करते थे, एक बूढ़ा था उसके चार बेटे थे, आपस में लड़ा करते थे, एक दिन उसने चारों बेटों को एक एक छड़ी दी तोड़ने के लिए, सब तोड़ दिए, फिर गट्ठर बना करके दे दिया, कोई नहीं तोड़ पाया। तो निष्कर्ष क्या निकला था? एकता में बल होता है। तो रटे रहिएगा, यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ है। ऐसे और कॉमन कॉमन सुनो पहले, जैसे सुनोगे जहां चाह वहां रहा, ये सुने भी होगे और याद भी रखो, वेर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, वेर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, यानी जहां चाह वहां रहा। नेक्स्ट देखा जाए, कल किसने देखा है, सुने भी होगे, जैसे उधार उधार मांगने के लिए जब जाते हो तो कल दे देंगे, तो सामने वाला जवाब देता है कल किसने देखा है, यानी टुमारो नेवर कम्स है। कल किसने देखा है क्या मतलब होगा? उसका प्रूवर टुमारो नेवर कम्स है। नेक्स्ट आप देखें हम लोग क्या बनाते हैं, कभी अंधे के हाथ भी बटेर लग जाती है, ये सुने होंगे, यानी अंधे के हाथ बटेर लगना, जैसे इसमें दिया हुआ कभी अंधे के हाथ बटेर लग जाती है, आप बनाओ अंधे के हाथ बटेर लगना, क्या बनाओगे? ए ब्लाइंड मैन समटाइम्स हिट्स द मार्क है, ए ब्लाइंड मैन समटाइम्स हिट्स द मार्क है का मतलब क्या हुआ? अंधे के हाथ है बटेर लगना। नेक्स्ट, काठ की हाड़ी एक बार चढ़ती है, काठ की हाड़ी, काठ माने लकड़ी, काठ की हाड़ी बार एक बार चढ़ती है, यानी किसी एक व्यक्ति को आप एक बार मूर्ख बना सकते हो, बार बार आप मूर्ख नहीं बना सकते हो, कि लाओ एक ही फार्मूले पे बार बार हम मूर्ख बनाए, यानी बनेगा क्या? ए चीटिंग प्ले नेवर थ्राइव्स है, ए चीटिंग प्ले नेवर थ्राइव्स का मतलब होता है काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। जैसे कहते सबका एक दिन आता है, यानी घूरे के भी दिन फिरते हैं, यानी हम एक ना एक दिन सबका दिन आएगा, उसी को कहते हैं घुरोग दिन फिरता है, यानी एवरी डॉग हैज हिज डे, एवरी डॉग हैज हिज डे। नेक्स्ट, गया वक्त फिर नहीं आता, मानो ये वाक्य दे दिया है, जैसे समय चला गया तो आएगा नहीं, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, ये सब सुने भी होंगे ऐसे, यानी टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी जो समय चला गया कभी लौट कर नहीं आएगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। नेक्स्ट, कह दिया आप भला तो जग भला, ये जरूर आप लोगों ने सुना होगा,
गुड माइंड गुड फाइंड है, सुने भी होगे, आप भला तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड है। और एक अभी आपको पहले हमने जब बताया था अंत भला तो सब भला, यानी ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एक और आपने सुना होगा गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, सुने भी होगे, गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, यानी आपको ना यहां पर गेहूं की अंग्रेजी लिखनी है ना घुन की अंग्रेजी लिखनी है, लिखना क्या है, When the buffaloes fight, crops suffer। अगला है आपका चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये है, ये भी आपको याद होगा, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ये आपको याद है, क्या था आपका, ए ड्रॉप इन ए ओशियन, ऐसे चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो क्या बनाओगे, ए नाइन डेज वंडर का मतलब हुआ चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऐसे एक और है, जब तक सांस है तब तक आस है, ये भी सुने होगे और आप लोग बोलते भी होगे, जब तक सांस है तब तक आस है, हारेंगे नहीं हम, यानी एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, इसका मतलब जब तक सांस तब तक आस है। नेक्स्ट देखो, चौबे होने गए छब्बे दूबे होकर लौटे, ये सुने होगे ना, चौबे गए छब्बे होने दूबे बनकर के लौटे, तो क्या बनाओगे आप इसको, एन एस गधा, एन एस वेंट टू आस्क फॉर हॉर्न, हॉर्न माने सिंह, एन एस वेंट टू आस्क फॉर हॉर्न बट लास्ट हिज ईयर्स, यानी इसका क्या बन रहा है हिंदी में, एक गधा सिंह मांगने के लिए गया कनो खोआ करके आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाक चौबे बन गए छब्बे बनने दूबे होकर के लौटे, यानी जो उनकी क्वालिटी थी वो खोआ हुआ करके चले आए, यानी एन एस वेंट टू आस्क फॉर हॉर्न बट लास्ट हिज ईयर्स। नेक्स्ट, जहां फूल वहां कांटा, क्या बनाओगे, नो रोज विदाउट ए थॉर्न, यानी जहां फूल वहां कांटा, नो रोज विदाउट ए थॉर्न। नेक्स्ट, काम प्यारा है चाम नहीं, काम प्यारा है चाम नहीं, यानी ये बनेगा क्या, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, यानी अच्छा वही जो अच्छा करता है, उसको प्रोवर्ब के रूप में कहा गया है, काम प्यारा है चाम प्यारा नहीं। नेक्स्ट, जैसा पाया वैसा खोया, ये भी सुने होगे ना, या जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये भी तो सुने होगे ना, यानी एज यू सो, जैसा पाया वैसा खोया, ये आप ध्यान रखो, इल गॉट इल स्पेंट, जैसा पाया वैसे खोया, जैसे हराम की कमाई हराम में जाती है, सुने भी होगे, तो इल गॉट इल स्पेंट। एक और सुने होगे, जैसे को तैसा, ये जरूर आप लोगों ने सुना होगा, इसको कैसे आप बनाओगे, टिट फॉर टैट, ये जरूर याद रखना, ये भी बहुत बार मिलता है ट्रांसलेशन में, टिट फॉर टैट माने जैसे को तैसा। नेक्स्ट देखा जाए, जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी बड़ा कॉमन है, जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब होता है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, यानी एज यू सो सो शैल यू रीप, एज यू शो सो शैल यू रीप, मतलब जैसा बोगे वैसा काटोगे। बाकी एक तो हमने आपको बताया भी था, वो जरूर याद रखना, गरजने वाले कभी बरसते नहीं, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। नेक्स्ट, जैसा देश वैसा भेष, ये भी सुने हो आप लोग ना, जैसा देश वैसा भेष, यानी व्हाइल इज रोम डू एज द रोमन्स डू, व्हाइल इज रोम डज डू एज द रोमन्स डू, यानी बनेगा क्या आपका, व्हाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, याद रहेगा ना, जैसा देश वैसा भेष, व्हाइल इन रोम डज द रोमन्स डू।
एक होता थोथा चना बाजे घना, यानी जिस मटके में कुछ नहीं होता है वो शोर बहुत करता है, जिसके पास अल्प ज्ञान होता है डींगे बहुत मारता है, ये भी सुने होंगे आप लोग। तो बनेगा क्या, इम्पटी साउंड्स, इम्पटी वेसल्स है, साउंड मेक मच नॉइज है, इम्पटी वेसल्स है मेक मच नॉइज है, मतलब हम लोग कह सकते हैं थोथा चना बाजे घना, याद रहेगा। नेक्स्ट, दाम करावे काम है, ये सुने होंगे, दाम करावे काम है, यानी बनेगा मनी मेक्स द मेयर गो। नेक्स्ट एक बढ़िया है आपका, तुरंत दान महाकल्याण, ये सुने होंगे आप लोग, क्या बनेगा, ही गिव्स थ्राइस हो गिव्स इन ए थ्राइस, ही गिव्स थ्राइस हो गिव्स इन ए थ्राइस, बताओ इसमें कोई दिक्कत। नेक्स्ट, दाल में कुछ काला है, ये भी आप सुने होंगे ना कि दाल में कुछ काला है, कभी कभी कहता पूरी दलिये काली है, ये सुने होंगे, यानी देयर इज ए समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, दाल में कुछ काला है इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम है। नेक्स्ट, नौ नकद ना तेरा उधार है, ये भी सुने होंगे, यानी ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। एक आपने सुना होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सुने हो आप लोग, क्या बनाओगे, ए बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, ए बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल। ऐसे आप ये भी सुने होगे अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं नीम हकीम खतरे जान, ये सुने होगे ना, नीम हकीम खतरे जान, या अल्प ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, यानी ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। एक और बहुत बढ़िया सा है, मित्र वही जो मुसीबत में काम आए, यानी ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, मित्र वही जो सही समय पर काम आए, यानी मित्र वही जो परेशानी में काम आए, यानी बनेगा क्या, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। नेक्स्ट, संतोष का फल मीठा होता है, ये भी आपने सुना होगा, संतोषी बहुत सुखी होते हैं, संतोष का फल बहुत मीठा होता है, तो बनाओगे क्या, बियर एंड फॉर बियर, बियर एंड फॉर बियर इज गुड, यानी संतोष का फल मीठा होता है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, सारी दीखे जात आधी लीजे बांट, सारी दीखे जात आधी लीजे बांट, मान लो यही वाक्य दिया है तो क्या बनाओगे, बेटर गिव द ऊल देन द होल शीप, बेटर गिव द ऊल देन द होल शीप। नेक्स्ट, हथेली पर सरसों नहीं जमती, ये भी सुने होंगे, हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, फिर समझो क्या कह रहा है, हथेली पर सरसों नहीं जमती, यानी उसका जो मुहावरा बन रहा प्रूवर, रोम एक दिन में नहीं बना था, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। नेक्स्ट, होनहार बिरवान के होते चिकने पात, सुने हो ना, होन और बिरवान के होते चिकने पात, यानी कमिंग इवेंट से कास्ट दियर शेडो बिफोर, कमिंग इवेंट से कास्ट दियर शेडो बिफोर। नेक्स्ट, अपना अपना होता है पराया पराया, ये सुने भी होगे, खून खून को आवाज देता है, ये भी आपने सुना होगा, यानी ब्लड इज थिकर देन द वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये सुने भी होगे कि अपना अपना हमेशा काम आता है पराया नहीं, अपने में भले कितना झगड़ा बवाल दुश्मनी हो जाए लेकिन अपना तो अपना ही होता है, यानी अपना अपना है पराया पराया है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। नेक्स्ट, सावन के अंधे को हर जगह पीला ही पीला दिखाई देता है, जैसे आप लोग पट्टी बन गई है, जैसे इसको जॉन्डिस हो गया पीलिया हो गया तो उसका आँख पीला होता है,
उसको चारों तरफ पीले पीला दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्ली थिंग से वर्ड देखना, सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। ये सुने भी होंगे, सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। एवरीथिंग्स एलो, एवरीथिंग्स लुक एलो, वर्ड समझना, एवरीथिंग लुक्स एलो टू जॉन्डिस्ड आई, एवरीथिंग लुक्स एलो टू ए जॉन्डिस्ड आईज। प्यारे बच्चों, ये आपका कुछ सेलेक्टेड प्रोवर्ब है, इसे आप बार बार सुनें ताकि जब ट्रांसलेट करें तो आपको जूझना ना पड़े कि अरे इसका ट्रांसलेट कैसे बनाए। फिर कभी हम एक वीडियो में लगभग 100 प्रोवर्ब एक बार फिर चर्चा करेंगे, तब तक आप इतना बार बार रिवीजन करके उसे अपना कंठस्थ करने का प्रयास करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट।